पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को सुपर ह्यूमन बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सुपर ह्यूमन है। जितने दिन से वो चल रहे हैं, जिस तरह से हम उनके साथ आए हैं और पीछे पीछे हमें चलना पड़ रहा है, उसे ये मानकर चले कि वो एक सुपर ह्यूमन है। जब उन्होंने कह दिया कि मैं अब तपस्या कर रहा हूँ, तो फिर कुछ कहना ही बेकार है। तो वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता अटल बिहारी को अच्छा समझते थे और उनका सम्मान करते थे, लेकिन मुझे ढूंढकर कोई कांग्रेस का ऐसा कार्यकर्ता बता दो जो मोदी जी का सम्मान करता हो। अलग अलग व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग ओपिनियन भी होते हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता गौरव पांडी के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी को ब्रिटिश सरकार के मुखबिर बताए जाने वाले बयान पर सलमान खुर्शीद खुद को किनारे करते हुए नजर आए। साथ ही इस बयान को उनका खुद का बयान बताया, न कि कांग्रेस का। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने कभी ऐसे लोगों का अपमान नहीं किया है। वो जिस रफ्तार से चलते हैं, जितने दिन से वो चले हैं, जिस तरह से हमको उनके पीछे पीछे साथ साथ चलना पड़ रहा है, तो हम तो ये मानते हैं कि वो रियली ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कह ही दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं। अब तपस्या के लिए एक योगी कहीं बैठ गया, किसी गुफा में बैठ गया एक योगी की तपस्या के लिए, तो आप इस बात की बात कह रहे हैं कि वो दूसरी गुफा में तो गए नहीं। कांग्रेस राहुल गांधी से समर्थन करती है, नहीं तो हम यहाँ क्यों बैठे होते। गौरव पांडी ने हमको नहीं भेजा, गौरव पांडी ने नहीं भेजा है। देखिए, गौरव पांडी कुछ लिख सकते हैं, हम भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन ये हम ये नहीं कहेंगे कि ये कांग्रेस का व्यू है कि नहीं है। कांग्रेस का व्यू हमको कहाँ से मिलता है? कांग्रेस का व्यू हमको कांग्रेस के अध्यक्ष से मिलता है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से मिलता है, सोनिया गांधी से मिलता है, और जो एक आम भावना हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में है, उनसे मिलता है। सच्ची बात यह है कि कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता, ये बात तो आज उठी है ना, कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता बहुत समय से अटल बिहारी को अच्छा समझते थे और उनका सम्मान करते थे, लेकिन मुझे ढूंढ के कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता दिखा दो जो मोदी जी का सम्मान करता है, दिखा दो। तो अलग अलग व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग लोगों के ओपिनियंस होते हैं। ये नहीं कहना चाहिए कि आप सबका एक ही ओपिनियन, तब हमको फौज में होना था। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।